Good morning, ma'am. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, book kaun se nikla? So last time hum log kya pad rahe the, bataiye. Pankri. Ma'am, English literature. Literature. कौन सा चैप्टर था? चैप्टर ब्यूटी कॉन्टेस्ट. या बुक थी इसलिए वो. बस ऐसे रखो ना. सब काफी इतना सब खोल लियो. मैं मैक्सिकन बताते हैं. मैम इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई थी. बस जी चीक नंबर वाला बचा था. डी जी 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 वाला तो टॉकेटिव वर्जन है, उसको रहने दीजिए. और मैम डी वाला भी जो आप सी के बाद टू पास क्या है ये? नहीं नहीं ये तो ऐसे ही करना है. कंपोजिशन है, उसको भी रहने दो. अब आ जाइए ग्रामर की बुक में. ये वाली बुक निकालिए. बताइए इसमें कहाँ तक पढ़ा था. मैम इसका हम लोग का एक्सरसाइजेस के साथ बताइएगा कहाँ तक हुआ है. फर्स्ट चैप्टर का डी नंबर वाला मैम पूरा हो गया था. सेकंड वाला अभी नहीं हुआ है मैम. शायद हो गया वो भी. शायद नहीं बेटा. कितनी बार बोले पेज मार्क किया करिए. करेक्ट बताइए. फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था ना एक्सरसाइज. यस मैम. हाँ सेकंड वाले पर देखिए. नेमिंग वर्ड्स नाउन. आ जाइए नेमिंग वर्ड्स पर. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर टू और उसका एक्सरसाइजेस. ठीक है. सो चैप्टर नंबर टू इज नाउन्स नेमिंग वर्ड्स. अब बताइए पंकुड़ी व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स. So, words that denote name of person, animal, place or thing are called naming words. ठीक है. Words that denote names of person, animal, place or thing are called naming words. चलो repeat after me. Words that denote बोलिए पंखुड़ी. वर्ड दैट डिनोट नेम्स ऑफ नेम ऑफ पर्सन पर्सन एनिमल एनिमल प्लेस और प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड. Naming words. All animal. All naming words are. All naming words are. Naming word or. Called noun. Called noun.
सो जितने भी पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, एनिमल मतलब जानवर, और प्लेस मतलब जगह, हाँ, थिंग मतलब, थिंग मतलब होता है चीजें, जैसे ये मार्कर, जो नॉन लिविंग चीजें होती है ना उनको थिंग्स कहा जाता है, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, टेबल चेयर, ठीक है, सो थिंग्स होती है नॉन लिविंग चीजें। सो ये सारी चीजों के जो नाम होते हैं, इनको जिस नाम से बुलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। और सारे नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, मतलब हर चीज का जो नाम होता है वही क्या है, नाउन है, समझ गई? यस मैम। हाँ, सो पर्सन में जैसे कौन आ जाएगा, देखिए बताइए कौन है पर्सन में मैम, जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, अंकल, आंटी, हाँ, टीचर, फार्मर, कुक, है ना। फिर द वर्ड टीचर, कुक, फार्मर एंड डॉक्टर आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, ठीक है। फिर अब एनिमल्स में देखकर बताओ कौन कौन आ जाएगा, बियर, डियर, हैन, हॉर्स, बियर, डियर, हैन और हॉर्स। तो द वर्ड बियर, डियर, हैन, हॉर्स आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, सच नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन्स। सो प्लेसेस में कौन आएगा बताइए, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, शॉप, हाँ, सो द वर्ड्स स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल एंड शॉप आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, सच नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन्स। सो प्लेसेस में क्या क्या आएगा, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल एंड शॉप, और ऐसी ही कई सारी चीजें है ना। फिर थिंग्स में क्या आएगा, कार, वॉच, सोफा, बेड, गुड। सो द वर्ड्स कार, वॉच, सोफा एंड बेड आर नेम्स ऑफ थिंग्स, सच नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन्स, ठीक है। फिर वर्ड्स यूज एज नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। तो समझ में आ गया आपको कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? यस मैम। हाँ, तो एक बार इसकी डेफिनेशन और बताइए। बताइए मैम, वर्ड्स दैट डोनोट नेम्स, वर्ड दैट डिनोट नेम्स, विनोड नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर, ऑल नेमिंग वर्ड आर, आर कॉल्ड, कॉल्ड नाउन, नाउन। फिर से रिपीट करो, वर्ड दैट denote names of person, animal, place or thing are very good called naming word, all naming word are called noun. Then say word that denote names of person, animal, place or thing are called naming word, all naming word are called nouns. फिर से
वर्ड दैट डिनोट वर्ड दैट डिनोट नेम्स ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन्स. Once again, word that denotes names of person, animal, place, or thing are called naming word. All naming word are called noun. Very good. So, अभी समझ में आ रहा है इसका definition? Yes, ma'am. चलो. So, हमने आपको बता दिया पर्सन में कौन कौन से नेमिंग वर्ड आते हैं, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 पर आओ. सम मोर नेमिंग वर्ड्स, कुछ और नेमिंग वर्ड्स देखिए कौन कौन से हैं. रीड इट आउट. फर्स्ट वाला पढ़िए, ब्रदर में पर्सन में कौन कौन आता है, जो और भी नेमिंग वर्ड्स है ना. डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, मैनेजर, टेलर वो होता है ना जो नाव चलाता है, उसको क्या कहते हैं, सेलर. चलो वीवर जो वीवर. जो बुनाई करते हैं ना उनको, ये जो कपड़े जिन्होंने बनाए हैं उनको क्या कहा जाता है, वीवर कहा जाता है. हाँ. अब आ जाइए एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट पर. देखो एनिमल आपको पता है जानवर, बर्ड जो बर्ड्स होती है जो फ्लाई करती है, एंड इंसेक्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े. ठीक है. सो कौन कौन से हैं पढ़िए. एनिमल नहीं कंगारू, गोरिल्ला, जेब्रा, जिराफ, पांडा एंड वुल्फ. और भी तो है ना, हिप्पोपोटामस. यस मैम. हिप्पोपोटामस है, मंगूज है. मंगूज क्या होता है पता है, मंगूज नेवला जानती हो, नेवला जो सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, वो वाला नेवला. सो उसको मंगूज कहते हैं. स्वान, बर्ड, पिजन, कॉकरोच पसंद है ना आपको, पंखुड़ी. नो मैम किसी को नहीं पसंद होता. सो बटरफ्लाई और मैना. ठीक है, ये सारे बर्ड्स हो गए. अब आ जाइए प्लेसेस पर, कौन कौन सी प्लेसेस हैं. Places, bank, library. मैम ये क्या लिखा है, सुपर मार्केट. मार्केट होता है छोटा वाला, एक सुपर मार्केट होता है जिसमें हर चीज एक जगह पे मिल जाती है. सुपर मार्केट, स्विमिंग पूल, हाँ स्विमिंग पूल, बुक शॉप, जू, हाँ, और ऑफिस, हॉस्पिटल, होटल. हाँ. सो ये हो गया प्लेसेस में. अब देखिए थिंग्स, ऑब्जेक्ट, टूल्स एंड मशीन्स. तो चीजें और सामान जो होते हैं ना, मशीन्स, टूल्स जो होते हैं, वो बताइए क्या क्या है. काइट गेट कीज बूट्स जो होते हैं ना पैर में पहनते हैं हम लोग, बूट्स, टेलीविजन, एयरप्लेन, बैट और शिप, ये सारी चीजें. हाँ. नेक्स्ट आ जाइए. अब देखो यहाँ पे क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द वर्ड्स गिवन इन द कलर्स आर नाउंस. They are the names of person, animal, places or things. So, Priya is a smart girl. So, यहाँ पे देखो,
प्रिया भी नाउन है ना, प्रिया जो है वो नाउन है, प्रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, और गर्ल क्या है, गर्ल भी तो नाउन है ना, गर्ल बॉय है ना। तो कोलकाता इज अ क्राउडेड सिटी, तो कोलकाता क्या है, नाउन है। द बुक इज इन द बैग, बुक क्या है मैम, नाउन है। नेक्स्ट पढ़िए। ए अ चेयर, अ चेयर इज मेड, मेड ऑफ वुड, वुड। सो यहाँ पर क्या है नाउन, चेयर और वुड। अ चेयर इज मेड, मैड नहीं, मेड, बनी हुई, बनी हुई। मैड मतलब तो होता है पागल। अब नेक्स्ट आ जाइए, तो चेयर और वुड जो है वो नाउन है। फिर राज एट एन एप्पल, सो नाउन कौन कौन सा है बताइए मैम, राज और एप्पल, एप्पल। कार, कार्स रन्स ऑन रोड्स, सो नाउन कहाँ कहाँ है, कार्स और रोड्स। द कैट किल्ड अ माउस, cat mouse। grandmother has a puppy, grandmother puppy। rabbits eat carrots, rabbit carrot। father goes to office, father office। okay, now let's come to the exercises। the फर्स्ट एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज नंबर ए, क्या लिखा हुआ है देखिए, अरेंज दीज नाउन्स, इन नाउन्स को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर हेडिंग। सो पर्सन, पर्सन में क्या क्या आएगा बताइए, डॉक्टर, सिस्टर, ड्राइवर, नर्स। फिल करिए, फिल करिए उसको। हाँ, मेरा ही लग फिल है। ओके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरा पढ़ा था? नो मैम, नहीं पढ़ा था मैम, मैंने पढ़ा हुआ था। चलो ठीक है। सो पर्सन में आपने फिल कर दिया, फिर एनिमल में क्या होगा, एनिमल में मैम, हाँ, गोरिल्ला, जिराफ, कंगारू और डेब्रा। हाँ, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए, सेकंड नंबर पे है बैंक, प्लेसेस, प्लेसेस में क्या होगा बताइए मैम, बैंक, ऑफिस, लाइब्रेरी और जू। एक बार इसको कर देते हैं, पर्सन में क्या था, सिस्टर, सिस्टर और बताओ पर्सन में क्या था, डॉक्टर, सिस्टर, ड्राइवर, नर्स। डॉक्टर, सिस्टर, ड्राइवर और नर्स, नर्स। फिर क्या था मैम, एनिमल, एनिमल, गोरिल्ला, जिराफ, कंगारू, कंगार, अरे कंगारू मैम। आप ही तो बोल रही हो कंगार, ये क्या होता है, ये कौन सा जानवर है मैम, कंगारू बोले। अच्छा ठीक है मैम, गोरिल्ला, जिराफ, जेब्रा, कंगारू, गोरिल्ला, जिराफ, ज़ेब्रा, कैंगरू और एक बच गया ना, नो मैम, अब कुछ नहीं हो गया, पूरा हो गया।
सो अब आ जाइए प्लेसेस बताइए कौन कौन से हैं। मैम बैंक, ऑफिस, लाइब्रेरी और जू। बैंक, ऑफिस, लाइब्रेरी और जू। चलो नेक्स्ट है थिंग। साइकिल, कंप्यूटर, काइट एंड नेल्स। हाँ सो क्या है थिंग्स में? कंप्यूटर है और नेल्स है, काइट। हाँ मैम नेल्स तो थिंग्स में नहीं होना चाहिए क्योंकि नेल्स तो बनता है। नहीं नहीं देखो हो सकता है ये कटे हुए नेल्स की बात कर रहा हो, है ना? यस मैम। जब हम उसको नेल्स को कट कर देते हैं तब तो वो एक चीज बना भी इनके हिसाब से होगा ना, तो छोड़ देते हैं। अच्छा नेल्स छोड़ देते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम लोग नेल्स की जगह पे क्या लिख देते हैं? वॉच। ठीक है हाँ ये ठीक है ना? यस। फिर कंप्यूटर और साइकिल, वॉच। हाँ साइकिल और काइट। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। यस मैम। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? मैच ईच मदर टू हर बेबी। सो बूज का बेबी क्या होगा? बूज का बेबी होगा बूजलिंग। बूजलिंग एक्सरसाइज नंबर बी। बूज का बेबी होगा बूजलिंग। हाँ फिर कैंगरू का बेबी क्या होगा? बताइए। हम कैंगरू को नहीं पता। अरे तो और लोगों का तो पता है ना, डक का डकलिंग होता है। यस मैम। जोई तो आपको नहीं पता होगा ना, जोई किसका है? सो जोई होगा किसका? कैंगरू का। मैच करिए, कैंगरू का बेबी है जोई। जोई हाँ। फिर डक का डकलिंग। डकलिंग नेक्स्ट क्या है? लायन का, लायन का बेबी क्या होगा? कब। कब मैच कर रही हो ना? यस मैम। ओके फ्रॉग का बेबी हो जाएगा टैडपोल। टैडपोल मैम मैच कर दी। चलो फिर अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर सी पर। सो अगर आप एक्सरसाइज नंबर सी को देखेंगे तो उसमें एक बॉक्स है येलो कलर का, उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। दिख रहे हैं ऑप्शंस? यस मैम। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी हेल्प से यू हैव टू फिल ईच एक्सरसाइज। मैम हाँ बोलो। मैम और बच्चे नहीं है क्या? बच्चे हाँ yes, लग रहा आज किसी की नींद नहीं खुली। प्रभात है लेकिन प्रभात का माइक म्यूट हो गया है, और आप हैं बाकी कोई नहीं है। अविका होती है, स्वास्तिक होते हैं, लगता है ये लोग आज सो रहे हैं। हाँ मैम मेरा माइक बंद था। हाँ हाँ प्रभात तो है, हमने बोला था प्रभात है। सो याद आ रही है क्या पंखुड़ी अविका की? नो मैम। अच्छा याद नहीं आ रही तो कैसे आप बोल रहे हो कोई है नहीं? शांति से आप बोल रहे हो? देख रहे थे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंखुड़ी आपको भी नहीं आ रही मेरी आवाज? नो मैम मेरी आ रही है। आपको आ रही मेरी आवाज क्लियर? यस मैम। तो फिर प्रभात आज आवाज रुक रुक के आ रही है आपकी।
तो आपकी तरफ प्रॉब्लम है, अगर मेरे तरफ से प्रॉब्लम होती तो दूसरे बच्चे को भी ना आती। आपको प्रॉब्लम है इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो प्रभात पंखड़ी को याद आ रही है ना अविका की? तभी पंखुड़ी याद कर रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, अभी सेकंड वाली क्लास मैम आपके वाली। पंखुड़ी आपको भी नहीं आ रही? नो मैम मुझे आ रही है। प्रभात आई सेड देयर इज प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क नॉट माइन। अगर सिर्फ आपको नहीं आ रही है तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क ना, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर इट आउट, आपके तरफ जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करिए, मैम की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक्सरसाइज नंबर सी पर आइए। मैम आ गए। इसमें देखो क्या है, इन द फॉलोइंग बॉक्स, बॉक्स मिल गया है पंखुड़ी? यस मैम बॉक्स मिल गया। तो बॉक्स में पहला क्या है, टेलर है। दूसरा क्या है, स्टेशनर है। स्टेशनर, पोस्टमैन। फिर क्या है, पोस्टमैन है। फिर क्या है, कॉबलर है। कॉबलर है, फिर सेलर है। सेलर है, हाँ। फिर है सेलर। सो अब इसी बॉक्स से, ये जो ये बॉक्स है, इसी बॉक्स से हेल्प लेकर, इन द फॉलोइंग बॉक्स सम नेम्स ऑफ पीपल आर गिवन हु हेल्प अस, जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं। सो In different manners, choose the correct word and write them in the blanks. So, आपको दिख रहा होगा ना कुछ sentences हैं, five sentences हैं. So, इनमें आपको इस box में से word, हाँ? मैम वो इसमें box में से निकाल के word हम लोग को ये dash में डाल। हाँ, correct. So, first sentence में क्या feel होगा बताइए, प्रभात एंड पंखुड़ी? A person who man shop cobbler. Very good. First वाला जो है वो cobbler है। पंखुड़ी? Yes ma'am. Fill कर लो cobbler. COBBLER cobbler. Ma'am fill कर लिए। Okay. Second वाला देखिए। A person who sells paper, pens and writing material. क्या कहेंगे उसको? Stationer. स्टेशनर कहेंगे। स्टेशनर, तो फर्स्ट वाला हो गया कॉबलर, सेकंड वाला आपका हो जाएगा स्टेशनर। स्टेशनर। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लोथ, क्या होगा प्रभात? टेलर। टेलर मैम। टेलर। थर्ड इज टेलर। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज नंबर फोर। सो अ पर्सन, ये लिख लो ना, यहाँ पे देखो नंबर डाले हुए, लिखो। थर्ड वाला है टेलर, ये आई एल ओ टेलर। क्या पर्सन हूँ, प्रिंस आ अरे क्या हो गया पंखुड़ी? कुछ नहीं मैम। बताओ ना क्या हुआ, कॉकरोच आ गया क्या? मैम चौथे में पोस्टमैन है। मैम चौथे में पोस्टमैन है, फोर्थ वाले में। मैम तीसरे में क्या है? ये वाला टेलर। टेलर मैम मैं मगर तो इसमें फाइव नंबर दिया है। क्या फाइव नंबर दिया है? हाँ मैम तीसरा पूछ रहे हैं। ये तीसरा ही तो है ना, टेलर तीसरा है। कौन क्लोथ को स्टिच करता है? टेलर ही तो स्टिच करता है ना। और वाले में पोस्ट में। हाँ हाँ वही होगा वही होगा। फोर वाले में
प्रभात बोल रहे हैं पोस्टमैन, ठीक है। फिर फिफ्थ वाले में क्या होगा, जो शिप को पानी में चलाता है वो कौन है, सेलर, सेलर। मैम फोर्थ वाले में पोस्टमैन ना, हाँ। और फिफ्थ में ये लास्ट वाला जो बचा है सेलर, ठीक है। चलो दैट इज इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल, बाय बाय। मैं हाँ जा रही है, बाय बाय। क्या हुआ बोलो, चाय लाएंगे क्या? बाकी हम कर ले, बस जाएंगे, बाय बाय। अच्छा ठीक है, कर लो, लेकिन बेटा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपका यूट्यूब पर जाता है ना, तो उसमें से आप देख सकती हो। अच्छा मैम बताइए, फोर्थ वाला पोस्टमैन होगा? हाँ फोर्थ वाला पोस्टमैन है, फिफ्थ वाला सेलर है, टेलर, फिफ्थ टेलर, टेलर नहीं सेलर, ये सेलर, ओके मैम, एस, मैम हो गया। चलो तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।